सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया है यहाँ पर आने का। काफी दिन से इनसे कांटेक्ट था। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय बहुत कम है हमारे पास, और कुछ शब्दों में ही अपनी बातों को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अश्विनी गौतम मेरा नाम है और 2008 में मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आया था। बात न्यूमरोलॉजी की कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए कितना अच्छा सा कंसेप्ट होता है। मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आ जाएगी तो मैं आपको जानता हूं। इसमें क्या है, बड़ी सोचने वाला विषय यह है कि एक इंसान को हम नहीं जानते हैं, परंतु उसकी जन्म तारीख अगर हमारे पास आती है तो हम उसके बारे में जानते हैं। ज्योतिष में अक्सर ये चीज देखी गई है कि हम किसी का लग्न देखते हैं तो उसके नेचर के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर देते हैं, उसके नेचर को एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी के अंदर भी ये चीज पॉसिबल है? न्यूमरोलॉजी में हमारे ऋषि मुनियों ने एक शुरुआत की थी। वैसे न्यूमरोलॉजी इंडियन देन है, मैं बड़ा क्लियर बोलता हूं, बेशक इसको डेवलप फॉरेन कंट्रीज के अंदर किया गया है। आजकल जो हम चैल्डियन पैटर्न यूज कर रहे हैं वो चाइना की तरफ से आया, लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी को सही तरीके से समझें तो न्यूमरोलॉजी जो है वो इंडिया की देन है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हमारे नंबर्स का एक जो सिस्टम है वो हमारे ऋषि मुनियों का देन है। दो तरह के पैटर्न हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर आज यूज किए जाते हैं। वैसे शर्मा जी ने मुझे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए बारे में बोलने के लिए बोला था, लेकिन समय की व्यवस्था का जो कंसेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा। हम आज न्यूमरोलॉजी के बेसिक नेचर को यहाँ पर समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, नंबर्स की बात करते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत जबरदस्त पैटर्न चलाया जाता है जिसको हम लोग चैल्डियन न्यूमरोलॉजी कहते हैं, राइट? जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में दो तरह के लगन हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। पंत जी बैठे हैं, ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। लगन और चंद्र लगन। लगन किसके लिए? शरीर के लिए, भौतिकता के लिए। चंद्र लगन किसके लिए? मन के लिए। इसी तरह से हमारे न्यूमरोलॉजी में भी दो पैटर्न आते हैं, एक चैल्डियन जो आपकी भौतिकता को रिप्रेजेंट करता है, आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर क्या चीज चाहिए आप उसको चैल्डियन पे अप्लाई कर देते हैं, राइट? हर चीज आपको पता लग जाती है कि ये नंबर इसका है, आपको मनी चाहिए इस नंबर को यूज कर दीजिए, चैल्डियन में वो सब कुछ आता है। और दूसरा पैटर्न आता है जिसको हम पाइथागोरियन पैटर्न बोलते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के बेसिक ट्रेट को समझना है, बेसिक नेचर को एनालाइज करना है या उस व्यक्ति की जड़ तक जाना है तो आपको पाइथागोरियन पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग, जब मैंने यूट्यूब पे अपना पहला वीडियो डाला था पाइथागोरियन को लेकर, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि इंडिया के अंदर ये चीज नहीं यूज की जाती है या लोगों ने उसको नहीं सुना है। बट बेसिकली जब आप उसके सिग्निफिकेटर्स को एनालाइज करते हैं तो जो एक्यूरेसी आपके मन की पाइथागोरियन से निकलती है वो अपने आप में ही एक प्रैक्टिकल सा रिजल्ट है। मुझे नहीं पता, जब मुझे यूट्यूब से मैसेजेस आते हैं लोगों के या कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस के ऊपर, तब मुझे इस चीज के बारे में पता चलता है कि किस तरह की एक्यूरेसी आती है। मैंने उस पैटर्न को बहुत डीपली स्टडी किया और मेरा मानना यह है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर किसी भी पैटर्न को ना फॉलो करके अगर आप उसके लॉजिक्स को फॉलो करें तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी आती है। किसी की बेसिक नीड अगर भौतिक है तो चैल्डियन उसको यूज किया जा सकता है। किसी की बेसिक नीड अगर इंटरनल है तो पाइथागोरियन को यूज किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को पाइथागोरियन के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आज दो टॉपिक
आपसे शेयर करना चाहता था, एक तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेकर शेयर करना चाहता था, एक पाइथागोरियन को लेकर शेयर करना चाहता था। समय की कमी की वजह से मैं आज आपसे पाइथागोरियन पैटर्न को ही फॉलो करूंगा। बोर्ड पे आप सब मेरा साथ देंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द पाइथागोरियन पैटर्न इन न्यूमरोलॉजी, क्या होता है, किस तरह से उसको अंडरस्टैंड किया जाता है और किस तरह से हम एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं पाइथागोरियन पैटर्न के जरिए। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं। लोशुग्रिड, बहुत सही नाम उसके लिए दिया गया है, लोशुग्रिड चार्ट। लोशुग्रिड इज व्हाट, ये चार्ट है जो लोशुग्रिड में बनता है, लेकिन उसमें नंबर्स का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब हम पाइथागोरियन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है। बहुत इजी, बहुत सिंपल। इससे इजी और सिंपल नहीं हो सकता, सीक्वेंस में है सब कुछ। क्या मैं ये माइक ठीक कर सकता हूँ? जी हेलो, हाय। यहां पर इसको हम लोशुग्रिड का नाम नहीं देते, इसको हम लोशुग्रिड का नाम नहीं देते, क्योंकि जब न्यूमरोलॉजी की बात आई थी तो लोशुग्रिड जो ग्रिड डिजाइन किया गया था वो चाइना के मिस्टर लोशु के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, इस वजह से उनको नाम लोशुग्रिड दे दिया गया। इट्स जस्ट सिंपली पाइथागोरियन बर्थ चार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। इट्स वेरी सिंपल, दिस इज पाइथागोरियन बर्थ चार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। और इसके अंदर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। अब जो लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं उनको ये पता है कि इसके अंदर कुछ प्लेन्स बनते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर प्लेन्स बनते हैं, फिजिकल प्लेन है, माइंड प्लेन है, सोल प्लेन है, तो यहां पर भी कुछ प्लेन्स बनते हैं। इसको समझिएगा और ये आज के लेक्चर में ही आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। ये जो पहला मैं वर्ड लिख रहा हूं ये फिजिकल प्लेन है जिसके अंदर हम कवर करते हैं वन फोर सेवन, दैट इज फिजिकल प्लेन। सेकेंड, सेकेंड इज आवर सोल प्लेन, नंबर टू, फाइव एंड एट, इट्स आवर सोल प्लेन। एंड थर्ड वन इज योर माइंड प्लेन। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ तीन तरह के प्लेन्स को ही यूज करना है, फिजिकल प्लेन, सोल प्लेन एंड माइंड प्लेन। फिजिकल प्लेन क्या, फिजिकल प्लेन इज योर शारीरिक स्तर, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, एक, चार, सात, ये आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है। सोल प्लेन आपकी आत्मा का स्तर, आपकी आत्मा कैसी है वो सोल प्लेन से रिप्रेजेंट होती है, और आपका मेंटल लेवल रिप्रेजेंट करेगा थ्री, सिक्स एंड नाइन। तीन तरह के प्लेन्स को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी अप्लाई किस पे होगी, किसका जन्म हो चुका होगा, जिसका जन्म होगा उसी पे अप्लाई होगी। और
जन्म के समय उसको सबसे पहली चीज क्या मिलती है जिस दिन वो पैदा हुआ, ठीक है। जब वो पैदा हुआ तो हम पहले स्टेप से उसको फॉलो करते हैं, फिजिकल ब्रेन की तरफ आते हैं। नंबर वन, वो नंबर जब आप पैदा हुए, नंबर वन वो नंबर है जब आप पैदा हुए हैं। दैट मीन्स तो मैं आपसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात कर रहा हूं, पर्सनैलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर वन वो नंबर जब आप पैदा हुए हैं, यानी कि पैदा होते ही आप एक छोटे से बच्चे हैं, राइट। अब एक छोटे बच्चे के नेचर को समझिए, क्या करता है, रोता है, ठीक है। पर जब उसको अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर करनी होती है, उसके पास जुबान नहीं दे रखी परमात्मा ने, बोल नहीं पाता है वो, फिर वो क्या करता है, वो करता है रोने का काम। रो के अपनी भावनाओं को दूसरों को बताने की कोशिश करता है, पर लोग उसको समझ नहीं सकते वो क्या कहना चाह रहा है। कोई सोचता है कि उसको भूख लगी है तो दूध दे दो, कोई उसको प्यार करने की कोशिश करता है, कोई उसको पुचकारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है वो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। यहां पर वही लेवल आता है। नंबर एक आपके इंटरनल फीलिंग्स का नंबर है, आप क्या कहना चाहते हैं वो नंबर एक आपको बताएगा। यहां ये कैसे होगा, कितनी बार आएगा, ये मैं आपको भी बताऊंगा कि एक आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार रिपीट होता है, तो आपकी इंटरनल फीलिंग्स का जो लेवल है वो कैसा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक छोटा बच्चा नंबर एक के साथ बड़ा, उसकी उसका बचपन गुजर चुका है, वो जवानी वाले लेवल पर आ चुका है, और ये जो नंबर चार है ये आपके जवानी का लेवल है। अब एक एक की बात जब मैं बात करता हूं तो एक में क्या चीज आपको देखने को मिलती है, एक में आपको यह चीज देखने को मिलती है, क्योंकि मैं डोमेस्टिक की भी बात करता हूँ, लोशु की भी बात करता हूं, तो स्टेटस का नंबर तो एक ही माना जाता है ना। इसी वजह से एक वाले के पास सब कुछ होता है, उसको प्यार भी मिलता है, उसको सम्मान भी मिलता है, उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, लेकिन जब मैं इंटरनल फीलिंग्स की बात करता हूं तो उसकी फीलिंग्स, इंटरनल फीलिंग्स नहीं समझ पाते। यहां से ये बच्चा बड़ा हुआ, ये जवानी वाली स्टेज पर पहुंचा और नंबर चार की कैटेगरी में आ गया। नंबर चार का लॉर्ड राहु किस चीज का कारक है, मेहनत का, हार्डवर्क का, डोमेस्टिक लाइफ का। यहां पर बच्चा बड़ा हुआ, नंबर चार के साथ आगे बढ़ा और अपनी भौतिक जिंदगी में आ गया। यहां पर ये भौतिक जिंदगी में आने के बाद थोड़ा सा स्वार्थी हो गया, क्योंकि उसको अपने बच्चे पालने हैं, परिवार बढ़ाना है, परिवार की जरूरतें पूरी करनी है, पैसे के पीछे भागने लग गया है, डोमेस्टिक हो गया। इस कैटेगरी की बात जब चार के नंबर्स की बात करेंगे तब हम आपको समझाएंगे। अब एक व्यक्ति का बचपन गुजर चुका है, जवानी गुजर चुकी है और उसने अपनी जिंदगी का बहुत सारा तजुर्बा जो है वो यहां पर हासिल किया है, और वो आ गया बुढ़ापे की तरफ। अगला नंबर फिजिकल प्लेन का, अभी तो मैं शरीर की बात कर रहा हूं, आगे इनकी भी बात करेंगे। यहां पर वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, सात नंबर किस चीज का नंबर होता है, केतु किस चीज का कारण है, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का, अपनी जिंदगी में बचपन के एक्सपीरियंस, जवानी का एक्सपीरियंस करने के बाद वो इस नंबर की तरफ बढ़ा है, यानी कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ा है। बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए उसके पास दो तरह की नॉलेज हो सकती है, या तो उसकी जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयां रही कि वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि केतु को किसी और चीज का कारक नहीं मानते, क्यों सर, किसका मानते हैं, मोक्ष, मोक्ष के अलावा डिससेटिस्फेक्शन का, असंतुष्टि का, ठीक है। या तो वो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि वो अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो चुका है, इस वजह से यहां नंबर सात जो है उसको असंतुष्टि की तरफ लेके जाता है।
या उसने इतना तजुर्बा हासिल कर लिया है कि उसको इस भौतिक जिंदगी में कुछ नजर नहीं आता, वो अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता है, वो एक अच्छा टीचर बन चुका है और अपने टीचर बनने के साथ अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करता है। ये आपकी जवानी, आपके आपके फिजिकल ब्रेन के तीन स्टेप्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। बच्चा पैदा हुआ एक नंबर के साथ, बच्चा जवान हुआ चार नंबर के साथ, और बच्चा बूढ़ा हो गया सात नंबर के साथ। तीन स्टेज आती है हमारी जिंदगी के अंदर, या तो बच्चे पैदा होते हैं, फिर जवान हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद राम नाम सर। इसी फिजिकल प्लेन को हम और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके बाद में यहां पर सोल प्लेन की बात करता हूं। नंबर दो, आपकी आत्मा का पहला नंबर, आपकी सोल का पहला नंबर, आपकी आत्मा का जो स्तर है, कहीं वो बच्चा स्तर तो नहीं है? आपकी आत्मा की थॉट प्रोसेस जो है, कहीं वो बच्चे वाली तो नहीं है? नंबर पांच, क्या आपकी आत्मा का जो लेवल है वो मैच्योरिटी वाला है? नंबर आठ, फिर शरीर धर्म का कारक, आत्मा का लेवल मैच्योरिटी वाला है, सीनियोरिटी वाला है? और माइंड प्लेन की तरफ जब आप आते हैं, माइंड प्लेन की तरफ आते हैं, तो आपके दिमाग का स्तर कैसा है? नंबर तीन, क्या आपका दिमाग जो है वो सिंसियरिटी से सोचता है? नंबर छह, लोशुंग्रिट में चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर छह को रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर में माना गया है, राइट? ये यहां पर वही बात, मेहनत करता है, माइंड का लेवल भी, सोल का लेवल भी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल, ये पूरा प्लेन बनता है उसका। और नंबर नौ की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो नंबर नौ इज द लास्ट नंबर ऑफ योर पाइथागोरियन पैटर्न। आपकी जिंदगी की महत्वाकांक्षाएं, आपके दिमाग का जो लेवल, जो सक्सेस का लेवल है, वो नंबर नौ से आता है। मैंने नंबर नौ को सक्सेस का नंबर क्यों माना? चैतन्य के अंदर भी माना जाता है नंबर नौ किसका नंबर है? मंगल का। मंगल को हमारे गृह मंत्रिमंडल के अंदर सेनापति माना गया है, लीडरशिप भी होती है उसके अंदर। लेकिन अगर आप, क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं, हम नंबर की ही बात करें, तो नंबर नौ का सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि नंबर नौ को आप किसी मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर नौ ही आता है। आप नौ को मल्टीप्लाई करके देखिए, दो से मल्टीप्लाई कीजिए, अठारह आएगा, टोटल नौ लगेगा, तीन टोटल नौ ही आएगा। नौ को जितने मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, वो नौ ही आएगा। इसका मतलब नंबर नौ अपने आप में एक संपूर्ण नंबर है। इसीलिए हम लोग पाइथागोरियन के अंदर भी नंबर नौ को कार्य सिद्धि का नंबर मानते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर कोई काम सक्सेस करवाना है, तो आपको नौ का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं यहां पर इंटरनल फीलिंग्स की बात कर रहा था, इंटरनल समझने की बात कर रहा था कि इंटरनली एक इंसान को पाइथागोरियन से समझा कैसे जा सकता है। यहां पर जब हम पैदा हुए, नंबर एक की बात कर रहे थे, नंबर एक की बात करने का मतलब, नंबर एक की बात करने का मतलब यह है कि इस इंसान को सब कुछ मिला हुआ है, इसको घर भी मिला हुआ है, इसको परिवार भी मिला हुआ है, इसको स्टेटस भी मिला हुआ है, ये जरा सा रोता है, लोग इसको प्यार भी करते हैं, पुचकारते भी हैं, उठाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये कहना क्या चाहता है वो कोई नहीं समझता। छोटा बच्चा अक्सर हम ये देखते हैं, वो रोता है, हमारे आगे हम उसको खा लेते हैं, कोई घुमाने लेके जाता है, कोई कुछ करने लेके जाता है, कोई कुछ करने लेके। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर एक नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप अपनी इंटरनल फीलिंग्स को, आप अपने दिल की भावनाओं को दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर एक नहीं है। फिर आप रोते हैं अकेले में, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। और
यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले आप, उसमें नंबर ए सिर्फ एक बार आ रहा है तो आपका ये जो स्तर है ये कुछ हद तक ठीक है, आप बोलने में एक्सपर्ट हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार है एक, तो आप बोलने में एक्सपर्ट है, आप अपनी सारी बातों को दूसरों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर वही आंतरिक भावनाएं आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं होता है, और जो सुनता है उसका तरीका गलत होता है, वो कुछ समझता है आपको, जैसे छोटे बच्चा कुछ भी कहता है तो कुछ और समझा जाता है ना, इसी तरह से नंबर एक आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि एक बार आ रहा है तो आप अपने दिल की बातें करने की कोशिश जरूर करते हैं, परंतु उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है, उसको समझा नहीं जाता है प्रॉपर तरीके से। जबकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर एक दो बार आ जाए तो इस लेवल को बड़ा अच्छा लेवल माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि उस चीज को बैलेंस कर दिया गया। टू टाइम्स नंबर वन बहुत अच्छा है, अगर यहां दो बार हो जाए। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी मूलांक भाग्यांक को आप फिलहाल कंसीडर नहीं करेंगे यहां पर, यहां सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे। सेंचुरी मीन्स 1900 में। यस, मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक बात मैं बड़ी क्लियर कर देता हूं। लास्ट 19 की जो सीरीज थी, 1900 की सीरीज थी, जिनका जन्म 1900 से लेकर और 1999 तक हुआ, उन सबकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 9 हमेशा होता था। और हमारे पाइथागोरियन पैटर्न के अंदर ना 1, 5 और 9 जो होता है, इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो इसको एरो ऑफ डिटरमिनेशन बोलते हैं, यानी कि उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी होती हैं और वो इंसान जिंदगी में अपने आप को उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देते थे। इसलिए 1900 की सीरीज के जितने भी लोग हैं ना, वो बड़े मेहनती पाए गए हैं। ये मेहनती है। और उस टाइम में 1900 की सीरीज के अंदर जिन लोगों का जन्म जो है वो मई के महीने में हो या उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आ जाए, वो 100% मेहनती होते हैं, और जिस काम को हाथ में लेते हैं तब तक जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है उसको खत्म नहीं करते। चलिए तो सेंचुरी को यहां पर लेंगे जी, बिल्कुल लेंगे। भाई शोर कमर को भी बातें उनको करने दो जो सामने खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हां मजा आ रहा है पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक को मैंने कहा कि एक आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो बार आ गया तो क्या होगा जी? तो ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक दो बार आता है, ऐसे लोग जो होते हैं उनमें मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा होता है। आपके सामने अगर कोई मुद्दा आ जाता है, जैसे मान लीजिए पंचायती लोग जिनको बोलते हैं ना, कोई मुद्दा आ जाता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक दो टाइम है तो आपको ये पता है कौन गलत है और कौन सही है। नेगेटिव और पॉजिटिव एनालाइज करने की जो पावर है आपकी वो बहुत बढ़ जाती है। यहां पर बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में एक जो है वो दो बार आता है, वो लोगों को मैनिपुलेट करते भी देखे गए हैं। ये नेगेटिव ड्रॉबैक भी है कि वो इसका फायदा भी उठाते हैं, बट आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक दो बार आ जाता है। तीसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक तीन बार आ जाए तो क्या होगा? यहां पर नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, दोनों पॉइंट्स पे बात करूंगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड,
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यहाँ पर बैड हो गया है जैसा मैम ने बोला है, लेकिन यहाँ पर दो तरह के ट्रेड्स होते हैं। पहला ट्रेड क्या होता है, या तो वो इतना ज्यादा खुश मिजाज होगा कि वो दूसरों को खुशी देगा, या वो इतना ज्यादा नेगेटिव होगा कि लोग उससे खुद ही कटना शुरू कर देंगे। और ये कंडीशन कब होती है, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक तीन बार हो, तब आपका सोल ट्रेन में दो पांच और आठ में से कोई नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना हो तो आप नेगेटिव ट्रेड्स की तरफ जाना जाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो ना हो, पांच ना हो, आठ ना हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक तीन बार आ जाए तो आप नेगेटिव ट्रेड्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर चेंज करके इन नंबर्स के फीचर्स को हासिल कर सकते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक यहां पर तीन बार आता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो पांच या आठ में से कोई डिजिट है तो आप बहुत ही खुश दिल इंसान हैं, लोगों को आपकी कंपनी में एंजॉय करने का पूरा आनंद आता है। इनमें से कोई भी हो, दो पांच या कोई भी हो, राइट। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नंबर एक को चार बार लेकर आते हैं। नंबर एक आपकी डेट ऑफ बर्थ में चार बार है तो नो डाउट सूर्य का नंबर है और स्टेटस आपका बहुत हाई होगा। चार बार आपके पास एक आ रहा है, जिंदगी में सारी सुविधाएं सब कुछ आपके पास होगा लेकिन ईगो, अहंकार, इश्यूज, इस एक नेचर की वजह से आप रियलिटी में अपने दिल की बात दूसरों से नहीं कर पाएंगे। कई बार इंसान में ना एटीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि वो कहना कुछ चाहता है कह कुछ जाता है, वहां ये समस्या जो है इनके साथ बहुत ज्यादा रहती है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक चार बार आ गया तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। और ऊपर से अगर उनके सोल प्लेन में ये नंबर्स भी हैं तो कोशिश करते हैं दूसरों से दिल की बात शेयर करने के लिए, लेकिन प्रेस्टीज इश्यू जो है ना, झुकना हमें बर्दाश्त नहीं है, तो वो थोड़ी सी वहां पर दिक्कत आती है। और ये कारवां तब कुछ ज्यादा बढ़ जाता है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक चार से ज्यादा बार आ जाता है तो फिर आप उन्हें अमिताभ बच्चन की कैटेगरी में भी ला सकते हैं और हिटलर की कैटेगरी में भी ला सकते हैं। डिक्टेटर हो गया ना, पता लगा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक को या चार से ज्यादा बार है और पांच भी है और नौ भी है तो काम हो गया, फिर आप हिटलर को भी पीछे छोड़ जाएंगे, फिर नहीं आप सुनेंगे किसी की भी। ये चीज होती है 11/11/1911 चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम बच्चे वाली बात कर रहे हैं, अभी हम जवानी की तरफ नहीं पढ़े। ये तीन स्टेप जो है ना हमारे जवानी वाले, जवानी में इंसान कैसे करता है ये तीन नंबर बताएंगे आपको। अभी हम बच्चों की तरफ, एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूं, एक नंबर हो, दो नंबर हो या तीन नंबर हो, इन तीनों नंबर्स का आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो बार आना हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि दो बार बैलेंस हो जाता है। दो से कम बार आएगा तो कमी रहेगी, दो से ज्यादा बार आएगा तो एक्सेस हो जाएगा। तो इस स्टेज के ऊपर एक, दो और तीन, दो बार आता है तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर दो की बात करें, नंबर दो किस चीज का नंबर है, इमोशन, चंद्रमा भावनाएं, सेंसिटिविटी, इंट्यूशन। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो ना हो तो आपके अंदर इन सब चीजों की कमी रहती है। इंट्यूटिव लेवल आपका कमजोर होता है, इमोशनल लेवल आपका कमजोर होता है और सेंसिटिविटी के मामले में भी आप कमजोर रहते हैं। और यदि अगर दो यहां पर एक बार आ जाए तो फिर वही बात है कि आपके इमोशन का लेवल बच्चों वाला है,
आपके इंट्यूशन का लेवल बच्चों वाला है और आपकी सेंसिटिविटी का जो लेवल है वो भी बच्चों वाला है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में दो एक बार आता है वो भौतिक ग्राउंड पर जहां कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की बात होती है वहां मार खा जाते हैं। क्यों? आपने किसी से कॉम्पिटिशन किया और उसने आपको प्यार से पुचकारा, आपने उसके हाथ में सब दे दिया, ये प्रॉब्लम। डरते हैं डेट ऑफ बर्थ में अगर दो एक बार आए तो कॉम्पिटिशन से डरते हैं। टैलेंट होता है, क्वालिटी होती है, पर डर लगता है कि यार वो जीत ना जाए, वो पहले ही हार जाते हैं। इसी वजह से दो का एक बार होना भी अच्छा नहीं है। जिनका दो एक बार होता है ना, हमारे ज्योतिष की भाषा में उनको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए।